नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टीजीटी का जो पेपर है उसकी आपके लिए मैं एक आंसर की लेके आया हूँ। हम डिटेल एनालिसिस करते हैं पेपर का कि कैसा पेपर आया है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द नरेटर। तो इसमें हम देखते हैं कि जो विल का जो फ्यूचर टेंस है वो शैल और शुड नहीं बल्कि वुड होता है। तो यहाँ पे ये वाली जो मिस्टेक है ये हमसे इसकी मिस्टेक हो गई है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन फ्रॉम वर्ब विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सी जो वर्ब से नाउन बनाई गई है तो कौन सी गलत है। तो इसमें जो ये सर एब्डिकेट जो है इसे एब्डक्शन बनाया गया, ये वाला गलत है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज करेक्ट स्पेलिंग। जो ये रैंडजेवियस वर्ड है इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, बाकी सबकी स्पेलिंग एकदम गलत है। नेक्स्ट है सर विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नेशन। तो इसमें हम नरेशन में हम क्या देखते हैं कि जो इसके अंदर डी है जो वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम एंड प्लेस आर नेवर चेंज, ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। बी सीरीज की इस शीट को हम आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। 17 क्वेश्चन को हम देखते हैं तो हम इसमें सारे देखते हैं, बाकी तो ठीक है सर। ये जो ऑब्जेक्टिव केस है ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, ये वाला गलत है। 18 क्वेश्चन हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। थोड़ा सा अजीब सा ग्रामर डाला है इन्होंने। इसमें जो ये पार्टेटिव एडजेक्टिव है ये किसी क्लास या ऑब्जेक्ट के पार्ट को डिनोट करते हैं, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज ए साइंस अंडरलाइन वर्ड इज वर्बल नाउन, वर्बल नाउन कह लीजिए या आप जेरेंड कह लीजिए, ये वाला सही है। नेक्स्ट है सर विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी के अकॉर्डिंगली कौन सा सेंटेंस सही नहीं है। पर 20th क्वेश्चन को जब अच्छी तरह पढ़ते हैं तो इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है वो सुपर सेगमेंटल फीचर ऑफ एक्सप्रेशन बताती है, ये वाला ऑप्शन नहीं होता। Which of the following an example of indirect personal pronoun या reflexive pronoun? तो इसमें जो ये myself है, ये personal pronoun या reflexive pronoun का example है। Grammatically correct sentence हम देखते हैं, we rarely see a lion, grammatically correct है। और अगर हम grammatically incorrect देखते हैं, तो we went near the station, ये grammatically incorrect है। कौन सा pair जो है वो mismatched है? जब हम इसको देखते हैं तो इसमें देखिए सर, इसमें इन लियू ऑफ है, इन लियू जो है वो पार्टिकल पार्टिसिपल प्रीपोजिशन नहीं है बल्कि वो एक तरह से इन लियू जो है वो फ्रेज प्रीपोजिशन है। तो ये वाला जो है यहाँ ये गलती निकाल ली मैंने। नेक्स्ट आप देखते हैं हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। इसमें आपको पता है आजकल सब जानते हैं योर सिंसियरली होता है, अपोस्ट्रोफी हट गई है और एस तो लगाना कंपलसरी लेकिन एपोस्ट्रोफी हट गया है। कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है? 26 नंबर में आप देखिए तो एवरीवन शुड प्रे गॉड, भगवान को तो सब प्रार्थना करनी चाहिए, पेपर है भैया सबका अच्छा होना चाहिए, ये वाला करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड। मिसमैच के अंदर जो सिंबल इन है ये 1609 से 1610 के बीच में लिखा गया था, ये जो है ये मिसमैच्ड है। कौन सा टाइटल विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा था? तो हेनरी सेवन इन्होंने नहीं लिखा था, 4th, 6th और 8th लिखे थे। नेक्स्ट है सर, इस वाले में सैमसंग एग्नोस्टिस जो है ये गलत है क्योंकि सैमसंग एग्नोस्टिस जो था वो एक ग्रीक प्ले पे लिखा हुआ था, उसमें टाइम प्लेस और एक्शन की यूनिटी बिल्कुल सही थी, इन्होंने नो लिखा इसलिए गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं सर 30 में था कि कौन सी जो एडजेक्टिव है वो करेक्ट प्रपोजिशन से फॉलोड नहीं है। तो इसमें जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जो इसके अंदर जो वाला गलत वाला आप क्या देखते हैं कि इसमें जो गलत है वो ये वाला है बिजी एट लेसंस, ये वाला इसमें गलत है। अगर हम डैश वाले की बात करते हैं 31st में विद रेफरेंस टू प्रपोजिशन पंक्चुएशन मार्क्स Which of the following statement is not correct? तो जो dash है वो set of words in apposition or explanation, ये वाला कभी dash का use नहीं होता है। 32 में हम देखते हैं तो इसने एक स्पष्ट देखिए as cheerful as bark, bark कुत्ते की भौंकने की आवाज होती है, कौन वैसा खुश होता है सर। 32 में हम देखते हैं desolate को इन्होंने बोला है persolate, persolate का मतलब होता है सब फिल्टर करना।
चाय कॉफी को फिल्टर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो ये वाला जो है ये मिसमैच है। 34 में हम देखते हैं कि कौन सा जो स्टैंजा में 6 लाइन स्टैंजा में लिखा गया और इसमें इमैच्योरिटी के साइंस थे, तो जब हम इसको देखते हैं तो पूरा देखने के बाद आपको पता चलता है कि सर इसमें जो वीनस और एडोनिस है ये 6 लाइन स्टैंजा था और ये इसका स्टार्टिंग का वर्क था, इसलिए ये हम मान सकते हैं कि इसमें इमैच्योरिटी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा प्ले क्या मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को डेप्रिशिएट करता है। देखिए मिडसमर नाइट में राजा महाराजा होते हैं, एंटनी क्लोपेट्रा में भी रानी महारानी है, विंटर टेल में भी राजा महाराजा, मैरी वाइव्स ऑफ विंस्टर जो है ये एक प्रोविंशियल लाइफ गांव की लाइफ के बारे में है। कौन सा वर्क जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है, तो साहब जो अलामा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड है ये वाला वर्क मैथ्यू प्रायोर ने लिखा हुआ, इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग था, मैथ्यू प्रायोर ने ये वर्क लिखा हुआ, बाकी सब उनके हैं। कौन सा वर्क जो है वो मिल्टन ने नहीं लिखा है, जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हम इसमें क्या देखते हैं कि सर इसमें ये जो पैशनेट पिलग्रिमेज है ये एक्चुअली शेक्सपियर का वर्क है, तो ये जो है ये वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाता है मिल्टन के वर्क में। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी था, ये मैंने अपने सोनेट में बताया भी था, ओन हिज ब्लाइंडनेस है, ओन माई नहीं है, अगर माई होता फिर तो मैं लिख देता, ये ओन हिज ब्लाइंडनेस जो है ये बाद में एंथोलॉजिस्ट ने ये टाइटल दे दिया था ओन हिज ब्लाइंडनेस, उनकी ब्लाइंडनेस के ऊपर, माई ब्लाइंडनेस पर नहीं था। इवनिंग वॉक जो है ये वाला जो फेमस है ये इवनिंग वॉक लिखा है वर्ड्सवर्थ ने, विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा फेमस वर्क है। कौन सा वर्क वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा है, थ्रोन है, इडियट बॉय है, सिमोन लिए, बियॉन्ड जो है ये बियॉन्ड ही था साहब, ये वाला वर्क वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं किसने वर्ड्सवर्थ को एन एवर एंड्यूरिंग मैन कहा था, तो साहब बाकी सब तो आपको पता है वर्ड्सवर्थ से मिलने जुलने वाला ज्यादा थे नहीं, एस टी कॉलेज इसका बिल्ली था, इसने ये बात कही थी। मॉडर्न कॉमेडी बिल्कुल सिंपल है, वीडियो बनाया हुआ था आपने जरूर देखा होगा, जॉन गाल्सवर्थ का लिखा हुआ फेमस वर्क है। जॉन गाल्सवर्थ के ड्रामा आइडियाज और ड्रामा किसमें पाए जाते हैं, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी नाम से उन्होंने एक वर्क लिखा था उसमें पाए जाते हैं। कोक्सन कौन सा कैरेक्टर, ये थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन था, तो कोक्सन जो है ये जस्टिस का एक कैरेक्टर है। 45th क्वेश्चन है, इसके आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, ये वाला मुझे कहीं नहीं लगा सब किससे, ये अडेप्टेशन है। नेक्स्ट है अंडर दिस कार्ड मार्बल ऑफ थाइन ओन स्लीप Brave Tragedian Shakespeare Sleep Alone, ये lines किसने लिखी थी, तो ये जो lines थी ये जो lines लिखने वाले हैं William Bass, ये भी question थोड़ा सा tough था। तो वैसे तो Shakespeare के ऊपर sonnet भी बहुत अजीब सा है, मैंने भी बहुत ही कम देखा हुआ है sonnet के बारे में, ये William Bass ने लिखा था। Who describe William Shakespeare एंड अपस्टार्ट करो, वैसे मैंने इसको एक वीडियो में जरूर डाला है, अभी जो लेटेस्ट मैंने वीडियो डाला शेक्सपियर के ऊपर उसमें मैंने ये डाला था कि कौन किसने शेक्सपियर का अपस्टार्ट करो, यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, रॉबर्ट ग्रीन ने इनको ये कहा था। किसने अपने फादर के बारे में ये बताया था, तो इसमें साहब ये जो है जॉन मिल्टन की लाइन ने ये बताया था। नेक्स्ट सर वर्ड्सवर्थ ने कहा था दाउ सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ट्वेल अपार्ट, जब हम इसको देखते हैं तो ये अब इसमें देखिए वर्ड्सवर्थ ने शेक्सपियर के बारे में ग्लास वर्थी होने था, इन्होंने मिल्टन के बारे में ज्यादा कहा था, ये मिल्टन की लाइंस हैं, ये मिल्टन का ऑन मिल्टन पर जो है इसका सोनेट है उसके ऊपर से ली गई लाइन है, वीडियो भी मैंने बनाया था उसमें लाइन बताई थी। मिल्टन का पैराडाइज रिगेन ये भी ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि हमने ऐसे रट्टा मारा हुआ मिल्टन की लाइनें बिब्लिकल है बिब्लिकल है, लेकिन ये एग्जैक्टली सेंट ल्यूक का गॉस्पेल है वहां से ली गया है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये। स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर, बहुत बार अगर पूछा हुआ क्वेश्चन है यूजीसी नेट के अंदर, ज्यादातर क्वेश्चन नेट वाले ही आए हैं, टिंटन एबे की ये लाइन है। नेक्स्ट हम देखते हैं सर कौन सी पोएम में वर्ड्सवर्थ ने कहा था आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग, तो ये इमोर्टिलिटी ओड में उन्होंने बात कही थी। ये कौन सी पेस्टोरल एलिजी है, तो सर इसके अंदर आपको पता है लिसिडास जो है जिस पर मैंने वीडियो भी बना रखा है वो एक पेस्टोरल एलिजी है। लिरिकल बैलेड पब्लिश्ड हुई थी, तो सर लिरिकल बैलेड जो थी 1798 में पब्लिश्ड हुई थी। कौन टाइप के प्ले ग्लास वर्थी ने लिखे, साहब इन्होंने प्रॉब्लम प्लेज लिखे थे।
कौन सा इनकरेक्ट सेंटेंस है? तो देखिए सर, यू हैव 20 रुपी होगा, रुपीज नहीं होता, ये इनकरेक्ट। नेक्स्ट है सर, पैराडाइज लॉस्ट में कितनी पॉइंट्स थी? तो आपको पता सर, ये एक एपिक था, एपिक के अंदर 12 पॉइंट्स होती हैं, इसमें 12 पॉइंट्स थी। कौन सा प्ले जो शेक्सपियर का कॉमेडी नहीं है? एज यू लाइक इट, 12th नाइट, मिडसमर नाइट, इन सब कॉमेडी है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा ये कॉमेडी नहीं है, तो ये वाला जो है ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है सर, देखिए लिरिक वाज मोस्ट पॉपुलर फॉर्म इन, तो अब देखिए लिरिक जो है ये लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी में सबसे ज्यादा पॉपुलर थी। किस प्रकार की पोएट्री है सोलिटरी रीपर? अब सोलिटरी रीपर जो है ये जो है एक बैलेड है। डेसडेमोना, डेसडेमोना किस में थी? ओथेलो में थी सर, ओथेलो की वाइफ थी डेसडेमोना। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो, कितनी बार बताया है ये क्वेश्चन आता है मैकबेथ का, और इस लाइन के अंदर क्या है, ये एक्ट 5 सीन 5 है मैकबेथ का। कौन सा वर्ड मिसस्पेल्ड है? तो इसको जब हम सारे को देखते हैं तो जो इसमें ये सर ना कंसाइनिशियस, ये मिसस्पेल्ड वर्ड है। नेक्स्ट है सर 64 का, कि इसमें क्या है, कौन सा सब्जेक्ट आप देखते हैं रूल ऑफ ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं है? तो वुड जो है वो एम्फेसिस के लिए यूज नहीं किया जाता है। कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का मिसमैच है? तो एरोपेगेटिका जो है ये वाला जिसका वर्ड है वर्क का ये मिसमैच है। कौन सा वर्क जो है वर्ब में करेक्ट प्रीपोजिशन नहीं है? जब हम इसको सबको ध्यान से देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि अनग्जिस एट की प्रीपोजिशन गलत है। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो कॉलन के अकॉर्डिंग सही नहीं है? तो इसमें हम देखते हैं कि जो कॉलन एक्सप्लेनेशन को यूज करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है पुअरली डिस्क्राइब। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा जो है मस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर सीक्वेंस में अकॉर्डिंग सही नहीं है? तो बक का जो है डो, ये जो है वो मिसमैच्ड है। फ्रेंजी का सिनोनिम कौन सा माना जाएगा? तो फ्रेंजी का सिनोनिम माना जाएगा सर गाइल। गाइल इसका सिनोनिम नहीं है। गाइल का मतलब होता है कनिंग, चलाक होना। फ्रेंजी का मतलब पागलपन होना, गुस्से में आना, जोश में आना। शेक्सपियर के ड्रामा में से कौन सा प्ले ओमिट था? तो जब आप उसको अच्छी तरह देखते हैं उसमें से पेरिक्लीज जो है ना ये ओमिट था। कौन सा प्ले जो है ये सोशल सटायर है? लव्स लेबर लॉस्ट है, ये सोशल सटायर है। ऑन इज ब्लाइंडनेस में मिल्टन ने अपने को किससे कंपेयर नहीं किया था? तो देखिए इसमें जब हम इसको सारा पढ़ते हैं तो उन्होंने लिसिडस इनकी पोएम का नाम है और इसका मतलब हैप्पी मैन होता है, इसलिए यहाँ पे तो हैप्पी मैन है, तो फिर ये किससे तरह कंपेयर करेगा? जब आप पैराडाइज लॉस्ट की ओपनिंग इन्वोकेशन पढ़ते हैं तो ओरेब इसमें क्या आता है, ये मैंने वीडियो में भी बताया था सर, ओरेब माउंट ओरेट होता है। नेक्स्ट है सर, किसको हम पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहते हैं? जब हम इसको देखते हैं तो सर पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर जो है जॉन मिल्टन को कहा जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने सोलिटरी रीपर में सोलिटरी हाईलैंड लास्ट, वो जो पहाड़ों की नाम लड़की कहाँ की थी? ए गर्ल फ्रॉम आयरलैंड थी। वर्ड्सवर्थ की किस लाइन में कहा गया था? आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये लाइन्स कहाँ से ली गई थी? ये तो सर इमिटेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड से ली गई थी। कौन सा वर्क जो है वो नोवेलिटी है? तो सर इसमें कोई भी वर्क जो है वो नोवेलिटी मेरे को तो नहीं लगा। एज ए ड्रामेटिस्ट जॉन गॉल्सवर्थी किससे बिलोंग करते थे? तो एज ए ड्रामेटिस्ट जो थे ना सर वो रियलिस्टिक ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे। फोरसेट सागा में फोरसेट किससे बिलोंग करते हैं? ये टिपिकल सिटी फैमिली है, पैसे वाली फैमिली है सर। विच वर्क वॉज कॉल्ड बाई शेक्सपियर एज द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन, कि ये किस वर्क को उसने कहा था? तो ये जो वीनस और एडोनिस है ना सर, शेक्सपियर इसको बहुत अच्छा मानता है, उसको उसने कहा था। शेक्सपियर की डेथ कब हुई थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, April 23, 1660। कौन सा वर्क जो है उसके घर का नाम क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, और इनके घर का नाम न्यू प्लेस था। शेक्सपियर की ट्रेजेडी का सिंबल, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, HOKM से याद कर लीजिए, ये इनकी, ये भी यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। With the while the still moon went out sandal grey,
किस वर्ग के लिए मिल्टन ने ऐसा कहा था? तो सर इनका जो लिसिडस वर्ग था उनके लिए ऐसा कहा था, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, पैराडाइज पोस्ट के लिए बात कहेगी। नेक्स्ट है सर, किस वर्ग के अंदर जॉन मिल्टन के वर्ग में डलीला अपीयर होती है? तो सैमसंग एगोनिस्ट में सैमसंग की वाइफ होती डलीला, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। सैमसंग के वर्ड्सवर्थ की बॉर्डर किस कैटेगरी में आती है सर? तो वर्ड्सवर्थ ने जो बॉर्डर लिखी है सर वो वर्ड्स ट्रेजेडी कैटेगरी में आती है। शेक्सपियर के सोनेट का एक कलेक्शन 1601 में किसने पब्लिश किया? थॉमस थॉर्प ने पब्लिश किया था सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर ये, मतलब क्वेश्चन जो है लिटरेचर के नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि जो ग्रामर है वो थोड़ी सी डीप आई है। एपिग्राम का एक अल्टरनेटिव नेम बताइए आप। तो जब आप सारों को आप स्टडी करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि सर एपिग्राम का जो अल्टरनेटिव नेम है वो अफोरिज्म होता है, बाकी सब नाम ही अजीब से हैं। एपिग्राम का मतलब होता है सर एक संक्षिप्त वाक्य, अफोरिज्म भी कुछ वैसा ही होता है। कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी है? तो सर लंदन, और ये सब लिखी लंदन नहीं लिखी है सर। We see in nature, ये बहुत ही फेमस लाइन है सर, the world is too much with us की लाइन्स हैं। कौन सा जो शेक्सपियर प्ले के तीन पार्ट्स हैं सर? तो अब आपको पता है सर शेक्सपियर का ये जो हेनरी फोर्थ वाला प्ले था इसके तीन पार्ट थे, हेनरी फोर्थ 6-8। They also sir, अब ये जो लाइन्स है सर on his blindness की फेमस लाइन्स हैं सर, लाइन डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछी गई है। अब इसके बाद में कौन सा प्ले लास्ट फ्रेज से क्रिएट नहीं करता था? तो आप देखते हैं मच एडो अबाउट नथिंग था, ये इनका इनिशियल वाला ही था। किस लाइन के अंदर है सर द ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी? वैसे तो ये जो लाइन तो सीधी है ओड टू ए नाइटिंगेल की है। अब हम करते हैं इनको आप सिंपल सेंटेंस में कवर कीजिए। तो जब इसको हम देखते हैं सर तो 97 में जो है ये वाला सिंपल सेंटेंस, इट बीइंग ए बैड वेदर वी स्टेड इनडोर। नेक्स्ट है सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्रिएट कीजिए। तो जब हम 98 में देखते हैं तो सर अब देखिए इसमें ये वाला, इट इज बिलीव दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। शेक्सपियर का पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस किस लिटरेरी फॉर्म में है? तो ये ट्रेजी कॉमेडी है सर। किंग लियर की डोमिनेंट थीम क्या है? फेलियल इन ग्रेटिट्यूड, ये भी बताया था सर। 101 में बताइए कि सर कौन सा करेक्टर नहीं है? देखिए ओफिलिया, ये जो कैसियो है ना सर, ये जो है ये ओथेलो में होता है, बाकी सब जो है ओफिलिया, क्लॉसियस, प्लॉसनियस, ये सब के सब अब हैमलेट में, कैसियो ओथेलो में। कैन द डॉक्टर क्योर हिम? अब इसमें सर हम देखते हैं कैन द डॉक्टर क्योर हिम ऑफ अस्थमा। यू कांट प्रिवेंट मी फ्रॉम वर्किंग, सिंपल है ये वाले तो सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। I have not seen him. अब आप यहाँ देखते हैं I have not seen him, तो इसमें हम देखते हैं since last month आ गया, तो बाकी तो हमें पता है since ही आएगा। Your behavior does not admit. अब इसमें हम देखते हैं admit to any excuse, admit के बाद to आता है, fixed preposition है। कौन सा जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा था? तो जब हम इसमें सारे होते तो true love जो है जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा था। Ubiquitous का meaning क्या होता है? जब हम देखते हैं तो ubiquitous का मीनिंग होता है सर और सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट सेम टाइम। अनइनवाइएबल का क्या मतलब होता है? तो अनइनवाइएबल का मतलब होता है डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट। इनकंबेंसी का मीनिंग क्या होता है? इनकंबेंसी का मीनिंग होता है ए ऑफिशियल पोजीशन और द ड्यूरेशन व्हेन वन होल्ड इट। नेक्स्ट देखते हैं सर क्लैंडेस्टाइन का अपोजिट क्या है? क्लैंडेस्टाइन का अपोजिट है ओपन। लुबिग्योरस का मीनिंग क्या होता है? ये सब के सब क्वेश्चन जो हैं ये थोड़े से अच्छे आए हैं, जूवियल। नेक्स्ट देखिए सर आप द पुलिस विल किल यू, अब इसमें हम देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि सर द पुलिस विल किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे। 113 में हम देखते हैं हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। 114 में देखते हैं इफ आई वर गॉड आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग। 115 में देखते हैं सर बी आई विश दैट यू वर राइट। 116 में देखते हैं तो 116 में मेरे अकॉर्डिंगली ये बनता है, बाकी आपको पता है ये वाले क्वेश्चन लगभग सबके सही जाते हैं।
117 में हम देखते हैं तो ये सी बनता है, 118 में हम देखते हैं तो ये ए बनता है, 119 में हम देखते हैं तो ये ए बनता है, और 120 में हम देखते हैं तो सर डी बनता है। 121 में जब हम देखते हैं कि सर कौन सा क्लोजेस्ट मीनिंग है तो ये देखते हैं तो सर ये बी बनता है, कॉम्प्रोमाइजिंग। 122 में देखते हैं ये भी बी बनता है, इम्प्रोप्रियटी का एक्शन डेट आर हाईली लीगली अनसस्टेनेबल। 123 में देखते हैं वेरी बजारे, वेरी स्ट्रेंज अनयूजुअल, एसिडस, वर्किंग हार्ड हार्ड। 124 में हम देखते हैं, और 125 में देखते हैं तो सर इसमें बनता है पब्लिक शेम। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, ईश्वर करे आपका सिलेक्शन जरूर हो और आप जॉब लगें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नीचे मैंने कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया, आप वहां से भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए